यहाँ पर जो से आलू हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इस शेप में काटे हैं। आप लोग जिस शेप में चाहे फुल्कियाँ उस शेप में बना सकते हैं। इस तरह इसको हल्के हाथों हमने डिप करना है और जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से हम लोगों ने झाड़ देना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी है, जो फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आलू की फुल्कियाँ फूली हुई, ये देखें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी हर तरफ से देख के आप कितनी ये फूली हुई और क्रिस्पी क्रिस्पी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें गर्मा गर्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स आप लोगों को हमारी जैको के विद नाज़नी में एक बार से फिर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो गया है, सर्दियां आ गई हैं और शाम में चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करता है। अगर खाना जल्दी खा लें तो फिर नाइट में क्रेविंग होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम की चाय के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक जो कि आलू के साथ हम लोग तैयार करने जाएंगे आपको पसंद आएगा। और बारिशें भी हो रही है हल्की हल्की फुल्की फुल्की जो सी बूंदाबांदी, उसमें भी आप लोगों को बहुत ही लुत्फ देगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पाव बेसन, एक कप बेसन है, और यहाँ पर मैंने तीन आलू लिए हैं। आप लोग जितने चाहे उतने आलू ले सकते हैं। अच्छा तो रेसिपी मैं क्या बनाने के लिए जा रही हूँ, रेसिपी जो से मैं बना रही हूँ वो है आलू के पकोड़े। इसको आलू की फुल्कियाँ, यूजुअली जो पंजाब में है इसको आलू की फुल्कियाँ कहा जाता है, तो वो ही मैं आज आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेसन लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने जो सा है सबसे पहले शामिल करनी है लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही हम लोगों ने हसबे ज़रूरत नमक, और हम लोगों ने यूज़ करनी है इसके अंदर ब्लैक पेपर। ये सब चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप लोगों ने लेना है बनाना है बेसन उतना ही आप लोगों ने शामिल करना है। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ज़ीरा, और लास्ट में शामिल कर रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला। अच्छा और ये आलूओं को आप लोग जिस शेप में चाहें उस तरह उनकी शेप बना लें, जिस तरह मतलब आपने उनकी फुल्कियाँ तैयार करनी है ना, तो मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसको क्रिस्पी कैसे बनाना है, क्योंकि जो बाज़ार की चिप्स भी होती है उसकी कोटिंग उतरती भी नहीं है और वो क्रिस्पी भी होती है। उसकी क्या वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो घी, तेल नहीं घी की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, शामिल कर देते हैं। घी आप लोगों ने जो सा वो गर्म ही डालना है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ये ना कि आप समझे कि अगर हम ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी, नहीं, नो वेज, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कोटिंग जो से वो उतर जाएगी बजाय इसके कि वो क्रिस्पी और ऊपर से बिल्कुल ठहरी हुई कवरेज जिसको दे, वैसी नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों के सामने बनाऊँगी, इसकी कोटिंग भी नहीं उतरेगी, बहुत क्रिस्पी भी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्यूअर्स आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और पूरा देखना है। ये देखिए व्यूवर्स मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अगर आप लोग चाहें चम्मच की मदद से कर सकते हैं, हाथ की मदद से चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, सही तरह से हो जाएगा मिक्स, ठीक है। और आप लोगों ने जोन सी है इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें इस तरह रखनी, बहुत ज़्यादा इसको आपने पतला भी नहीं करना और गाढ़ा भी नहीं रखना, ठीक है, कोई लम्स इसके अंदर ना, अच्छे से इसको जोन सा है वो आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो से आलू हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इस शेप में काटे हैं। आप लोग जिस शेप में चाहे फुल्कियाँ उस शेप में बना सकते हैं। इस तरह इसको हल्के हाथों हमने डिप करना है और जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से हम लोगों ने झाड़ देना है। तेल मैंने गर्म होने के रख दिया, चलते चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाकी सभी जो सी हमारी फुल्कियाँ हैं इसी तरह से हम लोगों ने उनको भी फ्राई कर लेना है। हम लोगों ने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर आलू आपने बहुत ज़्यादा मोटा काटा होगा ना तो फिर वो सही तरह से जो है वो गलेगा नहीं, कोटिंग आपकी जल जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई रखा और वो आलू जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए आप लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना है। बाकी भी मैं सारे जो से इसी तरह से फुल्कियाँ इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ये जो सी हैं हमारी फुल्कियाँ फूल गई हैं। ये देखिए कोई हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर कोई बेकिंग सोडा कुछ इस तरह की चीज़ शामिल नहीं की। ये देखिए माशाल्लाह सबके सब आपके सामने कितनी फूली फूली सी मज़ेदार सी ये बन रही है। देखिए तो आप लोग देखें कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। इसी ट्रिप को बिल्कुल आप लोगों ने फॉलो करना, और कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरी, जो बाज़ारों में बनती हैं वो भी इसी तरह ही बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों की मतलब होती है गलत फहमी के उनको ये होता है कि शायद कहते बेकिंग सोडा या कुछ इस तरह की चीज़ डाली जाती है, कुछ सोडा या कोई बेकिंग पाउडर, लेकिन देखेंगे बिल्कुल आप लोगों के सामने माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती जो सी है वो फूल गई हैं और तैयार हो रही हैं।
बस इसमें थोड़ा सा कलर हम लोग और दे लेते हैं ताकि जो उसे और मज़ीद क्रिस्पी हो जाए, और फिर इसको निकाल के रिमेनिंग जो उसे फुल्की अपनी फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी हमारी पसंद आएगी, पसंद है हमारी फीडबैक आप लोगों ने चैनल को ज़रूर देनी और लाइक करना। लाइक आप लोग नहीं करते तो आप लोगों के लाइक से कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई है और आप लोगों का प्यार है। और ये फुली हुई फुल्कियों के साथ हम आप लोगों को, ये तो व्यूअर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी है जो फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। देखें कलर, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, और कवरेज कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी कोटिंग नहीं उतरी, खुली हुई क्रिस्पी क्रिस्पी या के सामने है, ये देखें। ठीक है, तो अब हम इनको डिश आउट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आलू की फुल्कियाँ फूली हुई, ये देखें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी हर तरफ से देख के आप कितनी ये फूली हुई और क्रिस्पी क्रिस्पी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें गर्मा गर्म आलू की फुल्की। मैं खा के टेस्ट भी कर लेती हूँ, मैंने इसको दही की चटनी और केचप सा जो सा है वो सर्व करना है। टू गुड माशाल्लाह, मुंह में घुलने वाले आलू जो से फ्राई हो गए हैं और इतनी मज़ेदार से फुल्कियों के साथ। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हम अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को भी नाजुक सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस मज़ेदार से फुल्कियों के साथ अपनी सर्दी के मौसम को इंजॉय करें, चाय का बड़ा सारा कप बनाएँ और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।